इसलिए मैंने एक प्रसंग में मैं बोला, यदि आप एक दुकान से टीवी लेंगे, वो टीवी लेने वाले को एक कैमरा दे देंगे, वो तो एक निर्बंधित है, वो तो एक निर्बंधित दान है। जो आदमी ये टीवी को ले रहा दूरदर्शनी, उनको ये छायाचित्र गृहिणी तो निःशुल्क मिल जाता। आप वहां जाके आए तो निःशुल्क है ना, ये अकेला हमको अलग करके दीजिए, ये सब बोलेंगे तो क्या करेंगे, नहीं देंगे, क्योंकि वो तो निर्बंधित वितरण। इसलिए शास्त्र में, योग शास्त्र में जो जो शरीर आरोग्य और मन शांति और बुद्धि का विकास और ईश्वर साक्षात्कार या मोक्ष, योग शास्त्र में जो जो दिया है वो सब जिसके पास यम नियम आदि गुण है उनको वो अधिकार है, जिसके पास वो गुण नहीं है उसको वो अधिकार नहीं है। इसलिए योग में सब लोग खान, खान मैंने जिसको एक ही आंख है उसको खान बोलते हैं शास्त्र में, इसलिए सब लोग अभी योग शास्त्र में खान ही है। इसलिए शास्त्र में एक बताया और आधुनिक आदमी भी एक बताया, एडमंड बर्क ने बताया, एवरीबडी टॉक्स अबाउट द राइट्स, दे आर नॉट बॉदर अबाउट द ड्यूटीज, ऐसा उन्होंने बताया। सब लोग क्या लेना है योग शास्त्र से, क्या लेना है वो सब विषय में सब लोग बहुत इच्छुक है, और योग शास्त्र हमसे क्या इंतजार में है, क्या हम करना चाहिए वो योग प्राप्ति के लिए, वो योग संपत्ति की प्राप्ति के लिए हमारे ऊपर क्या अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार के विषय में सब दूर हो जाते हैं। इसलिए अभी वातावरण और समय हम निश्चित किए हैं, इच्छा और सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला, आज भी सुबह बोला था, एक अच्छा एक प्रबंधक नहीं तो एक आचार्य जो कुछ प्रबंधक भी हो, उसका अधिकार पांच प्रकार का है। इट इज आइडेंटिफाइंग द टैलेंट्स, कल्टिवेटिंग द टैलेंट्स, कस्टमाइजिंग द टैलेंट्स, बूस्टिंग द टैलेंट्स एंड डायरेक्टिंग द टैलेंट्स, ये सब मैंने अधिकार के बारे में बताया। इसलिए एक आचार्य है, एक प्रबंधक है, उसका काम भी पांच प्रकार है। एक आदमी के पास इच्छा और सामर्थ्य है तो उसका बढ़ाने वाला आचार्य है, बहुत कम है तो वो बढ़ाते हैं, उसको वो नहीं है तो उसका उत्पादन करने को आचार्य काम है। स्वामी जी हमको इच्छा है, बहुत कुछ है, मंद इच्छा है, ऐसा बोलेंगे तो उसका बढ़ाने भी आचार्य का कर्तव्य है। इसलिए आचार्य तो इतना अधिकार संपन्न है कि वो आपके पास इच्छा सामर्थ्य नहीं हो तो उसका उत्पादन करेंगे, बहुत कुछ है तो उसको बढ़ाएंगे, वो विपरीत हो तो सही रास्ता पर वो डालेंगे, उसको हमेशा सुरक्षा भी करेंगे, वो अधिकार क्रिया रूप में, क्रिया सिद्धि सिद्धि में आने के लिए भी कोशिश करेंगे, सहयोग करेंगे, वो तो आचार्य का लक्षण है। इसलिए जैसे हम विद्युत को पकड़ते हैं, करंट को पकड़ते हैं, हम पकड़ने के बाद यदि हम इसको छोड़ने के लिए तैयार है, वो हमको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। वैसे ही एक आचार्य का शरण द्वंद्व में यदि हम अज्ञान से, ज्ञान से, अल्प ज्ञान से, विपरीत ज्ञान से, नहीं दूसरे कोई वस्तुओं की प्राप्ति के लिए क्षुद्र विषयों में, पुरुषार्थ में अपेक्षित होकर भी उनके शरण द्वंद्व में हम जाते हैं तो आचार्य ऐसा नहीं करेगा, वो तुम पूछ लिए इसलिए हम दे दिए, ऐसा आचार्य नहीं देगा। वो तो देवता नहीं तो यक्षिणी नहीं तो पिशाचा भूत प्रेत वो सब तो ऐसा दे सकते हैं, आचार्य तो माता तुल्य। इसलिए शास्त्र में बताया, बालम अग्नोपतम तम तो माता किम निवारयेत् याचितोपि सदा भक्ते ही ना हितम कार्य धरिहि। ऐसा एक बच्चा तो छोटी उम्र में अज्ञान अवस्था में पूछता है, ये आग बहुत सुंदर है इसलिए हम पकड़ना चाहते हैं, इस समय में माता क्या करे, हो तुम पकड़ना चाहती हो नहीं तो तुम रोती हो, जाओ पकड़ो, ऐसा नहीं अनुमति देती है। माता किम निवारयेत्, माता इससे निवारण करता है। इसलिए शास्त्र में ये जानना चाहिए, परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से बहुत परिवर्तन होना चाहिए। योग शास्त्र में सब लोग बोलते हैं हमको वो होना चाहिए, होना चाहिए, उसके लिए बहुत विषय का परिवर्तन हमारे अंदर ही होना चाहिए। दोष तो हमारे ऊपर बहुत है, वातावरण में भी कलमश है लेकिन दोष हमारे ऊपर बहुत है। इसलिए इसका सारांश ये है कि आचार्य उनका शरणद्वंद में प्राप्ति करने के समय में, समर्पण करने के समय में हमारे ऊपर जो दोष होता है, दोष का निकलने वाला भी वही है, और ये सब गुण का संपत्ति ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, मांस कामन न्याय बोलते हैं। मांस जानते हैं ना पामिस, वो मांस में गंध रुचि दोनों भी नहीं है, मांस में गंध है क्या, नहीं है, मांस में रुचि भी नहीं है, और सब जो मांसाहारी वो प्राणियों का वो आहार है इसलिए वो खाते हैं, मांस में गंध नहीं है और रुचि भी नहीं है। ये लोग जो मांस कामी है वो लोग रुचि के लिए नारियल उसको कुछ डालते हैं, और मांस के ऊपर तो गंध भी नहीं है इसलिए इलायची लवंग ये सब डाल के वो लोग खाते हैं। इसलिए ये गुण शून्य एक व्यक्ति पूर्ण भाव से समर्पण कर रहा है आचार्य, इसके ऊपर जो गंध होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, वो सब वही करेगा। इसलिए हमारे ऊपर जो जो दुर्गंध है उसका निकलने वाला और जो जो सुगंध चाहिए वो सब डालने वाला तो आचार्य है। इसलिए इच्छा और सामर्थ्य आपके ऊपर है, वो तो आचार्य का सान्निध्य से होने वाला है, और ये वातावरण
और जो मैंने बोला पहले, ये वातावरण तो होना चाहिए और समय 2 दिन के लिए दिए, उसका हम जितने ज़्यादा हम उपयोग कर सकते हैं हमारा ज्ञान प्राप्ति के लिए और शक्ति बढ़ाने के लिए उतना हम करेंगे। फिर शाम हम मिलने के समय में ये पंचोपाय मैंने बताया, जैसा पंच प्रक्रिया है, पंचकर्म आयुर्वेद में बताते हैं ना, विरेचन वमन प्रक्रिया एवं कीड़ा रक्त मोक्ष, ऐसा तो 5 प्रकार का कर्म तो आयुर्वेद में, ऐसा योग पद्धति में योग शास्त्र में पंचस्तंभ का रूप में 5 प्रकार का उपाय है। पहले तो हम दे देते हैं शांति दीक्षा, शांति दीक्षा, शांति कैसे प्राप्त करना, शांति कैसे रखना, शांति और किसी से कैसे लेना, और किसी को कैसे देना, शांति अशांति होने के समय में शांति को कैसे बुलाना, और शांति को कैसे विस्तार करना, और शांति से काम करने के समय में उसका सहज दोष है अहंकार ममकार लोभ स्वार्थ, ये सब आ जाएगा शांति होने के समय में भी, काम करने के समय में सहज दोष बोलते हैं, ऐसा खेती में सब सहज आता है ना, बहुत दुश्मन लोग ऐसा कीड़ा का रूप में, स्थावर का रूप में, जानवर का रूप में, चोर का रूप में बहुत आ जाता है खेती में। ऐसे भी हमारा अंतर्भाव अनंतर्भाव परस्पर भाव और बहिर्भाव से बहुत हमको दुश्मन लोग आ जाते हैं, उसको कैसे हम निर्मूलन करना, ये सब तो शांति दीक्षा। दूसरी थी मेधा दीक्षा, मेधा को कैसे बढ़ाना, मेधा मैंने जो हम सुनते हैं लेते हैं उसको हम तो अनुभूति करना चाहिए, वो तो स्वादिष्ट पदार्थ है, इसलिए मैं शास्त्र में बताया ज्ञान कितना कठिन है। एक आदमी ने पूछा आप जितने बोलते हो बहुत कठिन है, वो एक सिनेमा है नहीं तो एक नाटक है, तो हास्य है, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला सबसे स्वादिष्ट ज्ञानी है, लेकिन इसको जानकारी के लिए जो हमारा रसन नहीं तो ज्ञान रसन में, जैसा बोलते हैं ना एक आदमी को भूखा रहने के समय में ये खाना की रुचि तो जानकारी नहीं होगी, वो भूखा निकलने के बाद ही वो खाने की वो अभिरुचि उनको मालूम पड़ेगा। ऐसे ही ये आदमी भी ये भव भय से बंधित है, ये भव भाव वो भूखा से वो बंधित है, रुग्ण है, इसलिए वो ज्ञान की अभिरुचि उनको मालूम नहीं होगी। जब इनको ज्ञान की अभिरुचि मालूम होगी वो करना तो आश्चर्य का काम है। ज्ञान की अभिरुचि मालूम होने के बाद जो जो स्वादिष्ट और जो जो बहुत बलिष्ठ और श्रेष्ठ पदार्थ ये मानता है वो सब मिट्टी जैसा दिखेगा उनका, जो मीठा था वो मिट्टी जैसा हो जाएगा। इसलिए वो ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए वो रुचि के लिए मेधा दीक्षा होना चाहिए। मेधा दीक्षा बहुत अच्छा विषय है सब लोगों के लिए, उद्योग में होने वाले के, पढ़ने वालों के लिए और शास्त्र में ज्ञान प्राप्ति करने वालों के लिए, निर्वहन में होने वाले के, सबको बहुत अच्छा है। इसमें तो अल्पश्रवण अतिश्रवण अश्रवण दूरग्रहण सारग्रहण अल्पाध्ययन मूलाध्ययन साराध्ययन अनध्ययन संशयाध्ययन शंका परिहरण तत्व प्राप्ति सारांतर ग्रहण मूलांतर ग्रहण तत्वावबोधन यथेच्छाबोधन दूरदर्शन महिभाषण बहिभाषण बहुभाषण संभाषण सुभाषण विभाषण एकत्र स्त्रीकरण शास्त्र साक्षात्कार, ये सब बहुत प्रकार की सिद्धि है ये मेधावी। इसलिए LKG में जो प्रारंभ विभाग में कक्षा में जो पढ़ रहा है उनसे प्रारंभ करके, जो प्रारंभ कक्षा में पढ़ रहा है छोटा बच्चा उनसे प्रारंभ करके, जो ईश्वर साक्षात्कार में जो इच्छुक है उत्सुक है प्रेरक है प्रकर्मक है उसका पर्यंत सब प्राप्ति के लिए इसमें उपाय है मेधा दीक्षा। और तीसरा तो वित्त दीक्षा और सदाचार वृत्ति, वेल्थ मैनेजमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, आधुनिक विज्ञान में वित्त लक्ष्मी का कैसे हम आकर्षण करना दूर से, मैंने एक आंटो इकोनॉमिक्स का लेक्चर दिए उस पर वित्त का आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेल्थ, वित्त परीक्षा या तो वित्त निरीक्षण, मैंने बोला 1 रुपया आपको आ जाएगा, वो 1 रुपया सिर्फ 1 रुपया नहीं है, वो तो क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन बोलते हैं, गौणिक परिगणन संस्कृत में गौणिक परिगणन बोलते हैं, दार्ष्टिक परिगणन तो सामान्य रूप में दिखते हैं। एक आदमी आता है जो 5 आदमी का खाना खा सकता है, एक आदमी आ सकता है जो ये 5 आदमी का काम कर सकता है, इसको उठा सकता है, इसको ऐसा कर सकता है, ऐसा शरीर बल से आहार बल से हम देखते हैं बहुत प्रकार, इसलिए एक आदमी को बोलेंगे तो, इसलिए मैंने बोला एक विषय तो पेपर में देना है हमारा आगमन और एक मंडप में एक फंक्शन के ऊपर, एक आदमी ने दूसरे एक आदमी को भेजा उनको बोला, मैंने बोला पत्रिका में वो एडवर्टाइजमेंट देना है, नहीं उनको यदि बोलेंगे तो 200 आदमी को कल सुबह तक पहुंचेगा वो, इसलिए एक आदमी तो एक आदमी नहीं है, दृष्टि में तो एक आदमी है, कोई आदमी एक आदमी से कम होगा 1/10 दशांश होगा, कोई आदमी 1/100 शतांश होगा, कोई आदमी 10 गुण होगा 1:10 दो आदमी शतगुण होगा सहस्रगुण होगा आयुथुन होगा और लक्ष्य गुण होगा, इसे एक आदमी तो एक आदमी नहीं है, इसलिए एक आदमी का अंतर्गत विषय में बहुत प्रकार है। इसलिए मेधा दीक्षा में
जो एक हम लेते हैं जो